सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ऐसा भी नहीं कि ऐसी वनस्पतियों को पहचानना या फिर आसपास उगाना मुश्किल है। एक दौर था जब घर के बड़े बूढ़े इन वनस्पतियों की जानकारी रखते थे, इन्हें घरों में उगाते थे, लेकिन पुरानी पीढ़ी खत्म हुई, दौर बदला। इसी के साथ घर के आंगन से औषधीय गुणों वाले ये पौधे भी दूर हो गए। तो आपने बचपन में सुना होगा कि आपकी दादी, आपकी नानी कुछ ऐसे प्लांट्स घर में रखा करती थी। कभी आप बीमार पड़ते थे, कोई परेशानी होती थी, तो सीधे आप डॉक्टर के पास नहीं जाया करते थे, वैद्य के पास नहीं जाया करते थे। दादी आपका इलाज घर में कर दिया करती थी, लेकिन वो दौर बीत चुका है। अब नए दौर में कुछ वो पौधे जो घर में मौजूद रहते थे गायब हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इन तमाम पौधों को घरों तक पहुँचाने की मुहिम शुरू हुई है। इस वक्त हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल आश्रम में हैं और यहाँ पर एक टिश्यू कल्चर लैब बनी हुई है, और इस टिश्यू कल्चर लैब में कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वक्त में शायद नज़रिया बदल दे लोगों का, और वो जो पुराना ज़माना कहीं खो गया था एक बार फिर से वापस आए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर राव जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मुहिम शुरू की है आप लोगों ने, ये टिश्यू कल्चर लैब है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हम चाहते हैं कि शुरुआत कीजिए ये बताने से कि आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी कि टिश्यू कल्चर लैब एक बनाई जाए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये एक्चुअली हमारा पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का एक विज़न है, और उनका ये है कि ये एक जो हमारे पुराने परंपरा थी, और परंपरा क्या था कि अपनी ग्रैंड मदर दादी माँ जो थे घर में, वो हमेशा घर में कुछ 10-15 पौधे हमेशा रखती थी, माने कि उगा के अपने किचन गार्डन में वो हमेशा रहता था और हर घर में होता था। और जब भी कोई छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होती थी बॉडी में, थोड़ा पित्ता ज़्यादा हो गया, कुछ स्टमक अपसेट हो गया, दांत का दर्द आ गया, या कुछ ऐसी छोटी मोटी होती थी, तो डायरेक्ट वो जाके पौधे से दो पत्ते या उसकी फूल ले ली, या उसकी कुछ कषायम बना दी, या ऐसी जो है जो हम बोलते हैं प्राइमरी होम रेमेडीज़। ये एक होम रेमेडी का कल्चर जो था वो हमारा परंपरा में था, लेकिन अभी एक शिफ्ट हो गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। फिर हम जो रहते थे बगीचे के साथ, जो घर में जॉइंट फैमिली रहता था, अभी हम लोग कपल्स जो है अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिए। तो वो एक जो ट्रेडिशन था हमारा कि हम ये पौधे उगाते थे और इसको इस्तेमाल करने का जो नॉलेज था वो ख़त्म हो गई। तो पूज्य गुरुदेव का ये कहना है कि ये ट्रेडिशन हमको रिवाइव करने का है। इसके लिए दो रिसोर्सेस चाहिए। एक है जो पौधे अभी जो नहीं मिलते हैं, आप नर्सरी में जाके पूछिए कि मुझे जो है भृंगराज चाहिए, तो बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको भृंगराज। तो ये फर्स्ट जो है, ये पौधों को जो है हम इसको अवेलेबल करना चाहिए, यानी इसको ये सब लोगों को मिलना चाहिए, माने कि इसका बहुत अधिक प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन के लिए हमने सोचा कि बेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज अवेलेबल है ये है टिश्यू कल्चर, माने कि मैं एक पौधे की एक छोटी सी पीस लेके मैं उसे 1,00,000 पौधा कुछ महीनों में बना सकता हूँ। तो ये एक टेक्नोलॉजी था, तो इसकी ये एक विज़न लेके ये टिश्यू कल्चर लैब हमने एस्टेब्लिश किया। दूसरा था
कि इन पौधों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, माने इसका रेसिपी क्या है, हम इसका पत्ते यूज़ करते हैं तो कितने पत्ते चाहिए, कितने पानी में डालना चाहिए, उसको उबलना चाहिए या ऐसे ही पीते हैं, तो इसका रेसिपी क्या है, उसको भी हम लोग खो चुके थे। तो इसमें हमारी बॉटनी डिपार्टमेंट आयुर्वेद कॉलेज की उन्होंने रिसर्च किया कि अपनी चरक शास्त्र, अपनी चरक मुनि जो फादर ऑफ आयुर्वेद माने जाते हैं, उनकी टैक्स से सब निकाले कि उन ये पत्तों का कैसा यूज़ होता है घर में होम रेमेडीज़ के लिए। तो ये सब लेके हम लोग इन दोनों को रिसोर्स रख के जो है हम ये टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किए हैं ताकि हम अधिक संख्या में लोगों को ये पहुंचा सके। एक बड़ी सच्चाई है कि रोजमर्रा की जिंदगी में नई पीढ़ी इन औषधियों के लाभों से वंचित है। ऐसे में एक बार फिर से कोशिश की जा रही है औषधीय गुणों वाले ये पौधे आपके घर तक पहुंचे। इसी के साथ साथ इन पौधों के औषधीय गुणों के बारे में भी लोगों को जानकारी मिले, और ये कोशिश हो रही है श्री श्री आयुर्वेद कॉलेज और टिश्यू कल्चर लैब के सहयोग से। अब संजीवनी के जरिए ये तमाम औषधीय गुणों वाले पौधे आपके घरों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपने इसे क्यों बनाया। अब मैं चाहूँगा कि ये टिश्यू कल्चर लैब में किस तरह से ये तमाम पौधे तैयार किए गए इसे आप समझाइए, और ये मशीनें इतनी लगी हुई हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये कैसे काम कर। बस देखिए, मशीनें तो ज़्यादा नहीं होता है, ये एक हॉट एयर ओवन है जिसमें सारी जो ग्लासवेयर्स होते हैं, हमारी टेस्ट ट्यूब्स है, हमारी सारी जो ग्लासवेयर्स है, फ्लास्क है, बॉटल्स है, इसको सब हम लोग ड्राई करते हैं, यानी स्टेराइल, माने कि इसमें कोई सूक्ष्माणु का इन्फेक्शन ना हो। बस ये एक हॉस्पिटल जैसा होता है जहाँ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और टिश्यू कल्चर में एक बार इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ये एक हॉट एयर ओवन है, ये है डबल डिस्टिलेशन यूनिट है हमारे, जहाँ हमको एकदम साफ पानी, मतलब प्योर वाटर जो है, वो प्योर वाटर कैसे हम लोग रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये डबल डिस्टिलेशन यूनिट है क्योंकि हमको पानी में कहीं इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए, और पानी में कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए केमिकल्स, माने कि डिस्टिल, एकदम डिस्टिल प्योर वाटर से हम लोग, वो फर्स्ट स्टेप है हमारी टिश्यू कल्चर में, तो वो होता है। फिर ये जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑटोक्लेव, मतलब समझिए कि हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है ना, उसका एक इंडस्ट्रियल वर्जन है, माने कि इसमें हाई टेम्परेचर और स्टीम के द्वारा जो भी हम इसमें डालते हैं, जैसे अभी ये टेस्ट ट्यूब्स है, तो ये टेस्ट ट्यूब्स पूरा जो है इसके अंदर डाल दिया हमने और इसको चालू कर दिया, तो एकदम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो है जो भी कृमि कीट या जो भी सूक्ष्माणु यानी माइक्रोब्स बैक्टीरिया ये सब इन्फेक्शन होता है वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल, एक बात समझने की आप कोशिश कीजिए कि जब किसी पेड़ के किसी भी भाग से अगर टिश्यू के जरिए इतनी चीज़ें बनाई जाती हैं, हज़ारों पेड़ लाखों पेड़ बनाने की बात की जाती है, तो कितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कितनी मशीनें इन्वॉल्व होती हैं, और हर स्तर पर यहाँ पर ख्याल रखा जाता है कि किस तरह का कोई इन्फेक्शन ना आए, ताकि जो भी स्पीशीज तैयार कर रहे हैं वो बेहद प्योर हो। बहुत सी बातों का ख्याल करना पड़ता है। सर, शुरुआत आपने इस चीज़ की कब से की और ये प्रोसेस यहाँ पर लैब कब बनी? ये लैब एक्चुअली हमने इसको इनॉग्रेट किया था जनवरी में, और शायद फरवरी मार्च तक जो है हमने हमारी प्रोडक्शन चालू कर दिया, यानी प्रोटोकॉल्स, माने कि इसमें क्या होता है कि कोई भी पौधा, हर एक पौधे के लिए अलग सा टेक्निक होता है उसको अधिक संख्या में बढ़ाने के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको स्टैंडर्डाइज करना हमारा फर्स्ट काम है, कि हम लोग पहले इसको स्टैंडर्डाइज करें। तो ये स्टैंडर्डाइज करने में देखिए आश्चर्य की बात ये है, नॉर्मली आमतौर से कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, एक वैरायटी पौधे के लिए प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करने में कम से कम उनको 18 महीने से 2 ईयर्स, यानी 1.5 to 1.5 से 2 साल लग जाता है, लेकिन हमारे ये लैब में जो है सिर्फ हम 8-9 महीने में हम 8-10 पौधे की प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज की है। तो यानी ये एक अपनी गुरु की कृपा है, उनकी ग्रेस है कि हम इतनी जल्दी जो है इधर स्टैंडर्डाइज किए हैं हमने।
तो ये स्टैंडर्डाइजेशन और ये एक बिल्कुल स्वच्छ वातावरण जो होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में जो वातावरण है वही वातावरण आपको इधर मिलेगा। तो बिल्कुल ये सबसे खास बात है कि जब हम भी यहाँ पर, हमारे कैमरामैन जब आए और हम यहाँ पर आए, तो हम भी पूरी तरह से, आप देख सकते हैं शूज़ हमारे पैर में नहीं है, हमें भी एक कोट दिया गया पहनने के लिए, और सर में भी बाल वगैरह इधर उधर ना जाए इसके लिए भी हमने सर पे चीज़ें पहन रखी हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण बनाया गया है ताकि पौधे यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर सकें। और भी चीज़ें, और हम ये किट भी देख पा रहे हैं एक, ये क्या है इसमें? हाँ, तो ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस हम वापस आएंगे, तब तक जो है मैं दिखा देता हूँ। ये सब अपना इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ हम लोग मीडियम बनाते हैं। जैसे मैंने बताया, पौधे की छोटा एक पीस लेके उसको एक पौष्टिक मीडियम में हम लोग लगा देते हैं, तो उधर वो अधिक संख्या में बढ़ता है। तो वो मीडियम बनाने के लिए आपको अनेक तरह की सॉल्यूशंस चाहिए। तो उसको सब जो है हम लोग अच्छी तरह से हम लोग उसको वे करते हैं, माने कि उसका तोलमूल करके उसको, ये सब केमिकल्स जो देख रहे हैं आप, ये सब जो है अपनी मीडियम बनाने के लिए, माने कि एकदम पौष्टिक मीडियम बनाने के लिए ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप बैलेंस भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ये काफ़ी सेंसिटिव हाई प्रिसिशन बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि थोड़ा भी संख्या में कुछ अलग आगे पीछे हो गया तो आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हम एक बार स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको हजार बार करना पड़ता है, वही रिपीट करना पड़ता है। उसके लिए जो है हमारे पास डाटा एकदम फर्स्ट, एकदम सूक्ष्म रूप में हमको वो डाटा मिलना चाहिए, ताकि जो है हम बार बार उसको मल्टीप्लाई करें, उसको अधिक संख्या में हम लोग टिश्यू कल्चर कर पाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आती हैं कि हर एक स्तर पर किस तरह की सावधानी बरती जा रही है। इतनी मशीनें हैं, 9 महीने में अगर ये चीज़ें, इन प्लांट्स को तैयार किया गया है जिसमें 1.5 से 2 साल तक का वक्त लगता है, तो कितनी मेहनत इसके पीछे छिपी हुई है आप देख सकते हैं। पूरी एक टीम भी होगी डॉक्टर? हाँ, पूरी टीम है। और अभी मैं आपको ले जाऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये टिश्यू कल्चर लैब की। तो बिल्कुल, इस वक्त हम जा रहे हैं, एक बहुत ही खास चैम्बर है, इनोकुलेशन चैम्बर इसे कहते हैं, और यहाँ पर जाकर हम जानेंगे टिश्यू कल्चर लैब में कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि हमें एक मास्क भी दिया गया है, इस जगह पर जाने से पहले हमें अपने चेहरे पर ये मास्क भी लगाना पड़ेगा, और इसके बाद हम इसके अंदर जाकर देखेंगे कि आखिरकार टिश्यू कल्चर लैब में इस इनोकुलेशन चैम्बर का क्या महत्व है। इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे डॉक्टर प्रभाकर राव ने बताया किस तरह लैब में इन पौधों को तैयार करके देश के कोने कोने में भेजा जा रहा है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस लैब के अंदर, जहां पर इन औषधीय गुणों वाले पौधों को टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए तैयार किया जाता है, और एक पौधे से कम वक्त में हजारों लाखों पौधे बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है। तो गुरुदेव श्री रविशंकर जी के सानिध्य में यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब बनी है, और एक बार फिर से वो मेडिसिनल पौधे जो घरों से गायब हो चुके थे उनको घरों तक पहुँचाने की मुहिम की शुरुआत की गई है। और टिश्यू कल्चर लैब में किस तरह से आगे काम होता है डॉक्टर प्रभाकर राव हमें बताने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जगह पर हम आने वाले हैं, इनोकुलेशन चैम्बर इसे कहते हैं, और यहाँ पर किस तरह से काम होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, हम इस चैम्बर में आ चुके हैं, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, इधर जो है ये अपना टिश्यू कल्चर का हार्ट है, माने एकदम जो क्रिटिकल पीस है अपना टिश्यू कल्चर लैब का वो ये है। और इधर हो क्या रहा है कि ये एक लैमिनर फ्लो कैबिनेट है जिसके हवा में बिल्कुल फिल्टर होके वो हवा ऐसा आ रहा है, तो बाहर से हवा अंदर नहीं जा सकता है, माने कि बाहर जो भी सूक्ष्माणु है वो अंदर घुस नहीं सकता है, और जो भी हवा अंदर है वो एकदम स्वच्छ हवा है। तो वो हवा में अभी देखिए छोटे छोटे पौधों की पीस वो निकाल रही है, और उसको जो है वो मीडियम, मैंने जो बताया ना कि वो बॉटल के नीचे जो एक वाइट कलर की एक लिक्विड है या सॉलिड है, तो वो मीडियम है, वो मीडियम में इसको रख रही है। इसको हम लोग इनोकुलेशन बताते हैं कि इसको अभी जो है इसको पीस करके और एक एक पीस से एक एक पौधा बन जाएगा। माने कि मैं छोटा टुकड़ा लेके उसको बार बार जो है उससे लाखों पौधे मैं तैयार कर सकता हूँ। एक एक छोटा पौधा दे दे आप हमें,
उसमें से अभी इसमें बहुत सारे पौधे बन गए हैं, अभी ये पौधे से जो है वो पीस पीस करके निकालेगा, फिर वो पीस जो है अभी डालेगा बॉटल में, तो उसमें 10 पौधे हो गए। वो 10 पौधों को फिर हम टेस्ट ट्यूब में डाल के एक एक करके हम लोग उसको घर में आप उसको लेके जो है पौधे उगा सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से कितना अधिक यहाँ पर अच्छा माहौल तैयार किया गया है, किसी भी तरह से दूषित हवा जो है अंदर नहीं जा सकती है। ये खास तरह का चैम्बर है और इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक पौधे से कितने पौधे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। लगातार प्रशिक्षित जो यहाँ पर लोग हैं वो काम में लगे हुए हैं, एक एक करके पीस ये तोड़ रही हैं। और उसके बाद इस जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम पौधे लगाए जा रहे हैं, विशेष कल्चर तैयार किया जाता है इसके लिए। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर प्रभाकर राव ने हमको बताया लैब में किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से बनाए गए पौधों को संक्रमण से बचाते हैं। टिश्यू कल्चर लैब के जरिए पौधों को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि पौधे के अंदर किसी भी तरह का संक्रमण ना आए, और इसके लिए एक विशेष चैम्बर में पौधों को कल्चर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कल्चर में पौधों को लगाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, पौधों के विकास के लिए कृत्रिम तरीके से प्रकाश की व्यवस्था भी की जाती है। हर एक पौधे और उसके विकास के हिसाब से प्रकाश का भी तालमेल रखना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बहुत सावधानी रखनी पड़ती है यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को करते हुए, क्योंकि ये सबसे मेन वक्त है जब इस प्लांट को यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए लगाया जाता है। मैम किस तरह की आप लोग यहाँ पर सावधानी बरतते हैं? Actually, this is a LAF chamber, laminar airflow. It works on the principle of HEPA filters. There you can see that is the filter chamber. The air from outside gets filtered through the small with the principle of HEPA, high efficiency particulate air filters. से air filter होके यहाँ पर आता है और फिर वो forceps, petri plates, वो जो हम use करते हैं वो सब ethyl alcohol से हम sterilize करते हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रभाकर किस तरह का प्रोसेस होता है? हाँ जी, तो अभी इधर से जैसे आपने देखे कि ये है हमारी ग्रोथ चेम्बर, माने कि इधर प्लांट को हम बढ़ाते हैं। तो जैसे आपने देखा वो छोटे छोटे टुकड़े जो है उसके अंदर डाल दिया था बॉटल के अंदर, तो वो टुकड़े जो है इधर आके ये ग्रोथ चेम्बर में इधर हम लाइट कंट्रोल करते हैं, जितना उसको किरण चाहिए ग्रोथ के लिए उतना हम लाइट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो अभी डॉक्टर गौतम इधर जो इसका देखभाल करता है वो एक्सप्लेन करेगा कि इन बॉटलों में आप क्या देख रहे हैं। डॉक्टर गौतम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा कि प्लांट तो किस तरह से लगाया गया, उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ होती है, कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है, लाइट कैसे कंट्रोल की जाती है? पूरा लाइटिंग जो है ये प्री सेट करते हैं, कितने आर चाहिए, कितना लूमिनेंस चाहिए, सब वहाँ पे दे सकते हैं। टेम्परेचर भी रीड कर सकते हैं, सो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो प्री सेट, इवन द लाइटिंग न्यूट्रा एसिड पहले से ही सेट हो गया, सो ऑल द रिक्वायर्ड प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस आर गिवन फॉर द प्लांट्स। सो जो छोटे पौधे थे वो ऐसे बड़े हो जाते हैं। डॉक्टर गौतम, ये मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये सभी प्लांट्स अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, अलग अलग वैरायटी है, तो जो आप लाइट कंट्रोल करते हैं तो क्या सबके लिए एक जैसी होती है ग्रोथ करने के लिए? डिफरेंट हो जाते हैं, तो एक में आप देख सकते हैं 2-3 लाइट्स है, कुछ हैं 4 लाइट्स है, तो डिपेंडिंग ऑन द लूमिनेसेंस वी कीप वेरिंग फॉर द डिफरेंट स्पीशीज। उसके बाद कितना वक्त लगता है जब ये प्लांट्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अब आप इसे सॉइल में लगा सकते हैं? ये डिफरेंस जो दिख रहा है आपको 2-3 वीक्स का है, फिर बाद में रूटिंग करते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में हम फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो लगभग 2 महीने लगते हैं इस पूरे प्लांट को तैयार होने में। तो सर बहुत लंबा प्रोसेस है, आसानी से नहीं होता, कई महीनों का, इससे डॉक्टर ने बताया कि वक्त लग जाता है, हर स्तर पर आप लोग को सावधानी बरतनी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए ये टाइम तो रिलेटिव है। अगर मैं एक पौधे को लेके उसको बगीचे में लगा के उसको बढ़ा के उसमें फूल आके उसमें बीज बन के वो बीज मैं अभी उस तरह मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे जो है 2-3 साल में शायद 100 बीज या 500 बीज मिलेगा,
लेकिन इधर जो है हम दो तीन हफ्ते में जो है हम लोग लाखों में कर बना सकते हैं प्लांट्स को, तो ये टाइम जो है ये डेफिनेटली इसमें कम रहता है, लेकिन प्रोसीजर जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम इसको देखभाल करना पड़ता है कि हर स्टेज में जो है कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई सूक्ष्माणु जो है आके उसको पूरा ख़राब ना करे, और जो पौधे को कौन सा वातावरण चाहिए उसकी अच्छी ग्रोथ होने के लिए, विकास होने के लिए, वो सब देना पड़ता है। तो हाँ, टेक्निकल तो है प्रोसेस, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। अगर हर बगीचे में, हर घर में हम आयुर्वेदिक पौधे पहुँचाना है हमें, और वो हमारे पूज्य गुरुदेव का विज़न है, तो यही एक तरीका है जो बहुत जल्द ये विज़न को रियलिटी में बदल सकता है। तो बिल्कुल, एक बात को इस तरह समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम बीज के ज़रिए फू फ्लावर्स आए, फ्लावर्स का बीज लें, उसके बाद उसे फिर ज़मीन में डाला जाए, उसके बाद वो फिर से बढ़े, तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर का दावा इस तरह का है कि एक साथ एक प्लांट से बहुत से पौधे बनकर तैयार हो रहे हैं, और बहुत जल्दी ये समाज के हर हिस्से तक पहुँच सकते हैं, यानी आपके घरों तक पहुँच सकते हैं, इस बात की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आपने देखा टिश्यू कल्चर के ज़रिए किस तरह एक लैब में एक पौधे से हजारों ऐसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस पौधे से ये पौधे तैयार किए जा रहे हैं, वो पौधा कहां से आता है और उस मदर प्लांट में कौन कौन सी खासियत होनी जरूरी है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद और भी बहुत सी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। आखिरकार किस तरह से इन प्लांट्स का चयन किया गया, और अब आप इसे कैसे अपने घर में इस लैब से निकाल कर लगा सकते हैं, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। ये प्लांट जो टिश्यू कल्चर लैब में इस वक्त मौजूद हैं, वो आपके घरों तक कैसे पहुँचेंगे, और आप अपने घरों में इन प्लांट्स को कैसे लगा सकते हैं? चार सौ से ज्यादा औषधीय गुणों वाले पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। श्री श्री आयुर्वेद कॉलेज बेंगलुरु से जुड़े इस हर्बल गार्डन की ऐसी कई खूबियां हैं जो न सिर्फ इस गार्डन को बल्कि इस कॉलेज को भी बेहद खास बनाती हैं। इस गार्डन की देखरेख करने वाले डॉक्टर शिव मंजुनाथन ने बताया किस तरह इस गार्डन में औषधीय गुणों वाले पौधे मौजूद हैं, जिन्हें देश के कोने कोने से लाकर यहाँ पर संरक्षित किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिशि आयुर्वेदा कॉलेज के बॉटनिकल गार्डन में। बहुत खास ये गार्डन है, और यहाँ पर मेडिसिनल वैल्यू के तमाम पौधे मौजूद हैं। और क्या क्या खासियत इस पूरे बॉटनिकल गार्डन की है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ की देखरेख करने वाले डॉक्टर शिव मंजुनाथन जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जब यहाँ पर एंट्री कर रहे थे, हमने देखा कि बहुत सी वैरायटीज़ हैं, और आकर लगता है कि हाँ, आप बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए किसी बॉटनिकल गार्डन में हैं। क्या खासियत यहाँ की, और किस तरह से आप इसकी देखरेख करते हैं? एक्चुअली आवर श्री श्री कॉलेज हर्ब गार्डन इज अबाउट 6 acres। एट प्रेजेंट वी हैव अबाउट 500 स्पीशीज ऑफ मेडिसिनल एंड आरोमेटिक प्लांट्स। This garden is one of the emerging bio-resource center of medicinal and aromatic plants of South India. Out of 500 species, we have 50 number of rare, endangered and threatened species. Okay, it is enlisted by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources and Botanical Survey of India. This garden is entirely maintained organically. Okay, this executive conservatory for our Shri Shri tissue culture laboratory. See, for tissue culture laboratory, the mother plant is very very important. Okay, this X plant is free from disease and it must be healthy. Okay, this garden we are maintaining more than 50 number of medicinal plants, specially for tissue culture laboratory. Okay. And we are controlling the disease pest organically by formulating our own herbal formulation. बिल्कुल सर, ये आप लोग कैसे करते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि जो भी मदर प्लांट आप लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। yes. कोई डिजीज ना हो, उसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप लोग किस तरह से करते हैं कि ये प्लांट्स बिल्कुल प्योर रहें? ये पूरा प्रक्रिया कैसे होती है? एक्चुअली वी आर आइडेंटिफाइड बोटानिकली एंड ऑथेंटिकेटेड जेनेटिक रिसोर्सेस. Such type of plants we are using in our
टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लैब के लिए जो प्लांट चाहिए वो बहुत प्योर होने चाहिए, और ये जो पूरा आप बॉटनिकल गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्लांट बनाए जाते हैं ऑर्गेनिकली, उन्हें इस तरह से उगाया जाता है कि वो पूरी तरह से प्योर हो, उसमें किसी तरह का कोई भी दोष ना हो। तो ऐसे में जो प्लांट यहाँ से टिश्यू कल्चर लैब में जाते हैं, जिन प्लांट्स से बहुत ढेर सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं और संजीवनी के ज़रिए वो प्लांट आपके घर तक पहुँचेंगे, वो कहाँ पर तैयार होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये अपने आप में बेहद अनोखा है और किसी भी आयुर्वेद कॉलेज के साथ इस तरह का इतना बड़ा, इतनी वैरायटी वाला जो गार्डन है बॉटनिकल, वो जुड़ा नहीं हुआ है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम स्पीसीज़ हैं, वो इन्हें ख़ास बनाती हैं। टिश्यू कल्चर के लिए एक स्वस्थ पौधा कितना जरूरी है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इसी एक पौधे से हजारों लाखों पौधे तैयार किए जाने हैं। ऐसे में अगर इस पौधे में कोई संक्रमण होगा तो बाकी के पौधे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर हम इस प्लांट के बारे में पूछें सर, तो ये क्या सा प्लांट है और इसका यूज कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली दिस इज ब्रायोफिलम, संस्कृत नेम इज पर्णबीजा, ओके एंड एरोमेटिक प्लांट, दैट वन इज मुसली, श्वेत मुसली, अफ्रोडायसिक, वी आर यूजिंग एज अफ्रोडायसिक, द रूट वी आर यूजिंग एज अफ्रोडायसिक। तो बिल्कुल वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जितने प्लांट्स आपको लगे दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग 500 से ज़्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें या तो सरकार कह चुकी थी कि वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर ख़त्म होने की कगार पर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम स्पीसीज जो आप देख रहे हैं, तमाम प्लांट्स जो आप देख रहे हैं, सबकी मेडिसिनल वैल्यू है। और सबसे ख़ास बात कि ये पूरी तरह से प्योर हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से इन्हें उगाया गया है। और आयुर्वेद अस्पताल की बात करें तो यहाँ से सीधे वहाँ से चीज़ें मंगाई जाती हैं, और आयुर्वेद अस्पताल में भी इस बॉटनिकल गार्डन से ये तमाम प्लांट्स जो हैं वहाँ पर जाते हैं। ऐसे में ये जो किसी भी मेडिसिनल प्लांट को खरीदने के लिए जाते हैं, अगर उसे नहीं पहचानते हैं तो क्या इस बात की शंका भी होती है कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो सही चीज़ नहीं मिल रही है, हम कुछ और समझकर उसका प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो होता कुछ और है? आपने तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात पूछी मुझसे कि यही तो आजकल सभी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि नर्सरी में जो भी मिलता है वो हमेशा पक्का जो जड़ी बूटियाँ होती है वो नहीं मिलता है। जैसे कि ये प्लांट है, इसको ब्राह्मी बोलते हैं, एक्चुअली इसको तो हम जलाब्रह्मी बोलते हैं, क्योंकि जलाब्रह्मी नाम इसका इसलिए है कि इसको जब हम ग्रो करते हैं तो बहुत सारा पानी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत गीला गीला नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको ब्रह्मी बोलते हैं। और इसका जो बोटेनिकल आइडेंटिटी है, इसको हम बकोपा मनरी बोलते हैं, और आयुर्वेद में बताया गया चरक के काल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जो एक व्यक्ति का बुद्धि शक्ति है उसको बढ़ाता है। और एक प्लांट है, इसको हम मंडूकपर्णी बोलते हैं, तो ये प्लांट मंडूकपर्णी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेढक होता है उसका जो पैर होता है ये ऐसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसको मंडूकपर्णी बोलते हैं। पर्णी बोले तो लीफ, तो इसका लीफ जो है, जो मेढक का जो पैर ऐसा होता है तो ऐसा है। तो ऐसे हम जो चरक या जो भी हमारे निघंटूस हैं, संहिता या निघंटू में जो भी ऐसे इसका पर्याय नाम देते हैं, उसको हम ऐसे करके टेस्ट करते हैं। अभी आप किसी नर्सरी में जाके ब्रह्मी चाहिए बोलेंगे तो एक एक बार ये प्लांट भी देते हैं। माना कि ये जो मंडूकपर्णी है,
ये भी ब्रह्मी की तरह ही काम करता है, लेकिन प्लांट तो पूरा अलग है। इसको सेंटेला एशियाटिका बोलते हैं, मंडुकपर्णी, और इसको हम ब्रह्मी बोलते हैं, बकोपा मनोरी। लेकिन ये भी होता है, आजकल इसका बहुत सारा वेराइटीज़ भी मिलता है जो मेडिसिनल नहीं है, वो तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, लेकिन नर्सरी वाले जो देते हैं उनको भी पता नहीं रहता है, जो लोग खरीदते हैं उनको भी पता नहीं रहता है। जब वो सोचते हैं कि ये ब्रह्मी है तो वो ब्रह्मी नहीं होता है। तो ये मैम बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट लेने तो हो सकता है आपको इस तरह का प्लांट मिल जाए, लेकिन ये ऑर्नामेंटल भी हो सकता है। तो इन प्लांट्स को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ चाहते हैं मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स आपके घर में हो तो वो पहचाने जाएँ, या फिर किसी ऐसी संस्था से आपके पास पहुँचें जिन्हें पूरी तरह से चेक किया गया है, जो पूरी तरह से इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है। मैम एक बात मैं और जानना चाहूँगा, आपने थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि बहुत से तरीकों से इसे टेस्ट किया जाता है। आपने लैब दिखाई अभी थोड़ी देर पहले हमें, उस लैब में हमने देखा कि आप इसका डिसेक्शन करके भी इसे आप चेक कर रहे थे, और पर्याय नाम का कॉन्सेप्ट भी आपने दिया था। तो पर्याय नाम में भी क्या दो तीन चीज़ें होती हैं, दो तीन तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप इन्हें टेस्ट करती हैं? हाँ, तो एक तो मैंने बताया इसको हम ब्रह्मी बोलते हैं, जलब्रह्मी भी इसका नाम है, क्योंकि जहाँ पे ये पौधा उगता है वहाँ पे बहुत पानी रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं। एक तरीका हो गया जो जहाँ पे उगता है वो। ये जो प्लांट मैंने बताया मंडुकपर्णी, इसलिए इसका नाम है क्योंकि वो मेढक का जैसे पैर होता है ना फैला हुआ, वैसा ये दिख रहा है। और एक है इसको इसका जो औषधीय गुण है उसमें बता दिया गया है कि ये ब्रेन के ऊपर काम करता है। तो आप ये गौर से देखेंगे तो इसका जो शेप है वो ब्रेन की तरह दिखता है, तो ये भी एक सोचने का तरीका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है। जैसे एक, इसको हम प्रोस्टेट हर्ब बोलते हैं, जैसा कि मेढक एक जगह में है तो दूसरे जगह को जैसे छलान मारता है ना, वैसे ही ये पौधे का जो ग्रोइंग पैटर्न है वो और मेढक का जो चलने का तरीका है वो बहुत मिलता जुलता है। तो एक प्लांट का ग्रो होने के तरीके से, उसका जो लीफ या किसी भी पार्ट है उसके तरीके से, अभी हम लोग ये पर्याय नाम बोलते हैं। कुछ मैं और भी दिखाऊंगी आपको, कुछ फ्लावर्स हैं जैसे भी यहाँ पे जो ब्रंगराज बोलते हैं उसको पीत पुष्प कहा गया है। पीत पुष्प बोले तो उसका जो फ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पौधा है इसमें फूल भी लगा हुआ है, तो ये तो किसी को भी पता चल जाएगा कि क्यों इसका नाम पीत पुष्पा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिस जहाँ पे वो पाए जाते हैं, जैसा वो दिखते हैं, जैसा वो उनका गुण है, या जो वो काम करते हैं जब हम पेशेंट को देते हैं, तो ये सभी मिला के अगर वो सभी पर्याय नाम जो हमें संहिता में और हमारे निघंटु में दिए गए हैं, और हम उसका जो क्वालिटी कंट्रोल भी लैब में टेस्ट करते हैं, वो अगर पूरा एक प्लांट में अच्छी तरह से मिलता जुलता है तो हम बोलते हैं कि यस, ये पक्का जड़ी बूटी है जिसको हम उपयोग में लेना चाहिए। तो हम ऐसे ही जड़ी बूटी को इसी गार्डन से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिकली हम ग्रो किए हैं, और 15 साल से जहाँ पर भी कुछ भी अच्छे मेडिसिनल प्लांट जो है, जो कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि पूरे दुनिया को आप ऐसे जड़ी बूटियाँ देना चाहिए उसमें वो शक्ति हो जो पेशेंट में काम करे और तंदुरुस्त हो जाए। तो ऐसी एक जड़ी बूटी को हमने यहाँ पे सुरक्षित रूप से रखा है, तो यहीं से वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई होके वो टिश्यू कल्चर लैब में जाता है, ताकि लोगों को जो सही है वही मिले। तो बिल्कुल बहुत विस्तार से प्रोफेसर साहब ने बताया हमें कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से, चाहे बात हो कलर की बात करें या बात करें शेप की बात करें, किस तरह से वो उगे हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। चरक संहिता में जो कुछ लिखा हुआ है उसे कंपेयर किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है उसके बाद टेस्ट करके भी देखा जाता है, इसके ज़रिए मॉडर्न साइंस जो कुछ कहता है उसके ज़रिए भी टेस्ट किया जाता है। इन तमाम परीक्षणों के बाद इस बात का पुख्ता प्रमाण दिया जाता है कि हाँ, जो कुछ खरीदा जा रहा है वो बिल्कुल सही चीज़ है, वो आपके घर में ठीक ठाक पहुंच रही है, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ तय होती है कि जो मेडिसिनल वैल्यू आपको चाहिए वो मेडिसिनल वैल्यू आप
जानते हैं। एक बार हम फिर से बात करते हैं प्रोफेसर प्रदीप से कि किस तरह से प्लांट्स को पहचानते हैं, ये प्लांट कैसा है प्रोफेसर? इस प्लांट को हम वासा बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नाम है कि अडाटोडा वासिका, और हमारे संहिता में इसका पर्याय नाम दिया है कि सिंहास्य। तो सिंहा तो आप सबको पता है कि लायन, और आस्य बोले तो माउथ। जब भी हम सिंह का इमेजिन करते हैं तो हमारे सामने उसका खुला हुआ मुंह नज़र आता है। तो आप इसको देखिए, इसका फ्लावर जो है ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे लायन ने अपना मुंह खुला हो। तो हमारे संहिता में 5000 ईयर्स से पहले इतने अच्छे तरह से पर्याय नाम दिए हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन जो नेचर में होता था इतना अच्छा था कि अभी भी हम सभी को दिखा सकते हैं कि वो कितना सही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो नाम है उस नाम के मुताबिक यहाँ पर शेर जैसा मुंह भी लग रहा है, मुंह खुला हुआ है। और ये भी एक बड़ा तरीका है ये पता करने का कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो सही है कि गलत है। हालांकि उन्हें कसौटी, मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरा कहीं ना कहीं कसा जाता है, लेकिन ये जो तरीका बताया प्रोफेसर साहब ने, ये आप देख सकते हैं कि इस जरिए से भी हम प्लांट्स को पहचान सकते हैं कि आखिरकार चरक संहिता में जिस प्लांट्स के बारे में लिखा गया है, जो मेडिसिनल वैल्यू बताई गई है, वो सही है या गलत है। इस हर्बल गार्डन में पौधों की ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हीं प्रजातियों में शामिल है गिलोई की एक प्रजाति। फिलहाल इसे भी टिश्यू कल्चर लैब के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें बचाने के जरिया टिश्यू कल्चर बन रहा है। किस तरह से ये काम किया जा रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सीमा प्रदीप जुड़ी हुई हैं। मैम, किस तरह से इस गिलोय की प्रजाति को बचाने का काम चल रहा है? ये तो गिलोय का प्लांट है और इसमें तीन स्पीशीज आता है। एक तो हम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं जो हर जगह में मिलता है, और एक तो टिनोस्पोरा साइनेंसिस है, और यहाँ पे जो है इसको टिनोस्पोरा क्रिस्पा बोलते हैं। इसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एंडेंजर्ड लिस्ट में इसको लिस्ट कर दिया है। तो ये रेड लिस्टेड प्लांट है, तो इसका कहीं पर भी मिलता नहीं है। हमने इसको बहुत मुश्किल से ढूंढ के यहाँ पर हमने सुरक्षित जगह पे डाला है। इसमें क्या होता है कि जब भी गिलोय सत्व जो आप मार्केट में देखते हैं तो उसमें बहुत मिलावट होती है। इसलिए मिलावट होती है कि इस जो पौधा है क्रिस्पा है जो रेड लिस्टेड है, इसमें से ज़्यादा सत्व निकलता है, और जो बाकी का जो दो स्पीशीज़ है उससे थोड़ा कम सत्व निकलता है, तो इसीलिए बहुत मिलावट होता है। तो हम अभी टिश्यू कल्चर के ज़रिए ऐसे बहुत सारे जो रेड लिस्टेड प्लांट हमने इस गार्डन में सुरक्षित तरह से प्रिजर्व करके रखा है, तो इसको हम अभी और भी ज़्यादा पौधे करेंगे, यहाँ पर फिर से डालेंगे, और जो रेड लिस्टेड है उस लिस्ट से वो जैसा उसको हम बचाव करेंगे। तो बिल्कुल क्या कल्चर शुरू कर दिया गया इसका, कि प्रोसेस में है अभी? अभी ये प्लांट तो टिश्यू कल्चर लैब में प्रोसेस में है, तो और कुछ महीनों में ये सक्सेसफुली हम इसका कल्चर करके ज़्यादा पौधे करके हर नर्सरी में हम भेज देंगे। प्रोफेसर, मैं एक सवाल और भी जानना चाहूँगा कि वजह क्या होती है, कोई स्पीसीज कैसे इंडेंजर्ड में आ जाती है, क्यों गायब होती है? एक तो जो भी प्लांट बहुत सारा उसका आयुर्वेद में यूज़ होता है, तो बहुत सारे ऐसे फार्मा कंपनीज हैं जो कलेक्टर, जो हर्ब कलेक्टर बोलते हैं उसको, उनके ज़रिए वो बहुत सारे प्लांट उसका जो ओरिजिनल सोर्स होता है, जैसे जंगलों में जहाँ पर भी पहाड़ियों पे वो पाए जाते हैं, वहाँ से निकाल के उसका औषधि बन जाता है। इसका कोई भी सोचता नहीं है कि जो हम नेचर से निकालते हैं उसको हमें वापस नेचर को देना भी है, ये नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका हम प्लांट का जो प्रोपगेशन बोलते हैं, जो एक नया प्लांट उगने के लिए जो भी हमें नेचर में कुछ कीड़े पाए जाते थे, जैसे कि कुछ एंट्स हो या वैस्प हो, वो सभी आजकल नहीं दिख रहा है। अभी जिसको हम हनीबीस, जो आयुर्वेद में बताया गया है जो तरह के हनीबीस होते हैं, वो अभी कहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे होके जो इकोलॉजी जो डिस्टर्ब हो चुका है इसके वजह से, और
इंटेंशनली एक्सप्लॉयटिंग द हर्ब जो बोलते हैं, उसके वजह से, कमर्शियलाइजेशन के वजह से तो बहुत सारे प्लांट आज हमको नहीं मिल रहे हैं। वजह जो भी है, हमारा तो ये पूरा कोशिश है कि 15 साल से हम जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी हमें ऐसे स्पीशीज़ मिलते हैं तो हम लाके यहाँ गार्डन में सुरक्षित रूप से उनको रखते हैं, और अभी टिश्यू कल्चर के ज़रिए उस प्लांट को बढ़ाने का कोशिश में है। तो बिल्कुल, जिस तरह से बताया मैम ने कि बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और क्यों स्पीशीज़ खतरे में पड़ रही हैं इसके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन टिश्यू कल्चर इस वक्त एक बहुत अच्छी तकनीक बनकर संजीवनी के जरिए फिलहाल औषधीय गुण वाले 5 पौधों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। जो पौधे आपके घरों तक पहुंच रहे हैं वो तो बिल्कुल प्योर हैं। लेकिन अगर यही पौधे आप किसी नर्सरी में लेने जाएंगे तो हो सकता है जानकारी के अभाव में आपको गलत पौधा दे दिया जाए। इसलिए बेहद जरूरी है कि औषधीय गुणों वाले पौधों को ठीक से पहचाना जाए, और इसके लिए ऋषि आयुर्वेद कॉलेज में खास प्रबंध किए गए हैं। कॉलेज में उपकरणों से सुसज्जित एक लैब है जिसके जरिए सबसे पहले पौधों के औषधीय गुणों की पहचान की जाती है। लैब में छात्रों के साथ साथ एक्सपर्ट प्रोफेसर भी इस काम में जुटे रहते हैं। पौधों की रासायनिक संरचना के साथ साथ उनकी कोशिकीय संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। हम लोगों ने 15 साल से ऑर्गेनिकली एक हर्बल गार्डन बना के रखा है, जहाँ पर हम लोगों ने 15 साल से जहाँ कहीं भी ट्रेडिशनली जो यूज़ होते थे ऐसे पौधे हैं उनको यहाँ के बचा के रखा हुआ है। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक हर्बल गार्डन है इसलिए पौधे बहुत सुरक्षित भी है यहाँ पे, और इसी पौधों को मदर प्लांट की तरह यूज़ करके हम टिश्यू कल्चर लैब में उसका और भी बढ़ा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ है, एक तो जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है उनको टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर में सोसाइटी को दे सकते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे हर्बल गार्डन में ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेड लिस्टेड प्लांट में ऑलरेडी उनको दाखिल कर दिया गया है। तो ऐसे रेड लिस्टेड प्लांट को तो बचाने में टिश्यू कल्चर ही एक हमें तरीका है, जिस संहिता है, चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है, और काफ़ी सारे निघंटूस हैं जैसे कि भाव प्रकाश निघंटू, राज निघंटू, धन्वंतरी निघंटू। सो इन तमाम किताबों में हमें ये जानकारी मिलती है कि एक प्लांट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ मेडिसिनल प्लांट, जैसे कि एक जलब्रह्मी एग्जाम्पल देंगे तो जहाँ पर पानी बहुत जमा हुआ रहता है वहीं पे हमको ये प्लांट पाया जाता है। जैसे मंडूकपर्णी है, उसका अगर आप पत्ते को देखते हैं तो एक मेढक का पैर जैसा होता है, वैसा ही वो पत्ते हमें नज़र आता है, और जैसे वो छलांग लेता है वैसे ही उसका ग्रोथ पैटर्न रहता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि प्लांट का एक ग्रोइंग पैटर्न हो या उसका पत्ता या कुछ फूल
फूल या उसका फल का जो आकार होता है उस पर निर्भर हो, या उसका रंग पर निर्भर हो, या कहाँ पे वो पाया जाता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें बताए गए हैं, उनके ज़रिए हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो हमारे जो पुराने तरीके जो हैं प्लांट को आइडेंटिफाई करने का, ये हो गया। उसके बाद में हमारे श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च में बहुत एक सुसज्जित लैब है, जहाँ पर बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा माइक्रोस्कोप जो बोलते हैं, अच्छे तरीके का कैमरा माइक्रोस्कोपी भी है हमारे पास। तो हम वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उस प्लांट का जो इमेज है वो उसको हम सुरक्षित रूप से रखते हैं। और एक प्लांट का फाइटोकेमिकल एनालिसिस भी होता है, जैसा कि वो प्लांट में जैसे कि अल्कलाइड है या टैनिन है, ऐसे बहुत सारे जो रासायनिक संगठन जो प्लांट में पाया जाता है, तो हम उसको भी हमारे लैब में टेस्ट करते हैं। बाकी तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बोलते हैं, जैसे कि TLC है, वो सभी करने का भी सुविधा हमारे लैब में है। और फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ द ड्रग बोलते हैं, जैसे कि एक प्लांट का pH क्या है, उसका ash वैल्यू क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम टेस्ट करके मॉडर्न के ज़रिए भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो प्लांट हमारे संहिता में बताए गए हैं कि यही प्लांट है जो हमने अपने गार्डन में सुरक्षित रखा है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ 6 acre का जो हर्बल गार्डन है, ये पूरी तरह हम 15 साल से एक जैविक माध्यम से यहाँ पे प्लांट उगाया जाता है, तो बहुत सुरक्षित है ये पेशेंट को देने के लिए। तो एक सिस्टम बना के रखा है यहाँ पे कि हमारे अस्पताल में जो भी बीमार एडमिट हुए हैं, तो उनको जो डॉक्टर देखते हैं, उनको जो जड़ी बूटियाँ चाहिए वो लिख के हमको भेज देते हैं, और यहाँ से हर दिन फ्रेश मेडिसिन यहाँ से जाता है हर डिपार्टमेंट को, और उसको जिस फॉर्म में देना है, जैसे कि उसका हमें स्वरस निकालना है, या उसका एक कल्क की तरह बना के देना है, या उसका कषाय बना के देना है, सो जैसे बताया गया है हमारे शास्त्रों में, ऐसे ही यहाँ से जो पौधा जाता है उसको फ्रेश फॉर्म में दिया जाता है। तो इसको हम देने से हमने क्या देखा है कि जो हम फ्रेश फॉर्म में नहीं देते हैं, वो देने से एक रोगी को बीमारी से बचने के लिए बहुत दिन लगता है, लेकिन ये तुरंत असर कर। आयुर्वेदा कॉलेज है, हॉस्पिटल है, रिसर्च लैब है, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज है, ये सच में एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो इसके होने की वजह से हम लोग बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे हैं, जैसे टिश्यू कल्चर्ड एक प्लांट है जो नॉर्मल प्लांट है, उसका थेरापेटिकली जब हम किसी को देते हैं तो कुछ उसका डिफरेंस होता है, ऐसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और जो पौधा टिश्यू कल्चर से हमें मिलता है और जो नॉर्मल पौधा है, उसके रासायनिक संगठन में कुछ फ़र्क है क्या, ऐसे हम एनालिटिकल रिसर्च भी कर रहे हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क होता है, ऐसे जो भी रिसर्च से हमको सोसाइटी को ज़्यादा हम उपयोग दे सकते हैं, वैसा काम भी यहाँ पर हो रहा है कि जो पौधे को वो ऑर्गेनिक हमारे श्री श्री हर्बल गार्डन में देखते हैं, उसी पौधे को वो अस्पताल में यूज़ होता हुआ देखते हैं, और उसी पौधे को हम ज़्यादा संख्या में बढ़ाने के लिए जैसे हम टिश्यू कल्चर लैब यूज़ करते हैं, और उस लैब में जो भी होता है उसका हम फिर से, ये जो हमारा गार्डन से जो पौधा था ऐसा ही उसका नेचर है क्या समझने के लिए हम लोग रिसर्च भी करते हैं।
तो इसे यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है और जब ये रिसर्च पब्लिश होता है तो समाज को भी इससे बहुत इससे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि ये हमारे ऑर्गेनिक हर्बल गार्डन में जो पौधों को ये देखते हैं और उसके बारे में सीखते हैं, वो अस्पताल में यूज़ होता हुआ देखते हैं और मरीज़ों को उससे बहुत फ़ायदा होने का भी देखते हैं। और इसी पौधों को ज़्यादातर बढ़ाने के लिए जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर, वो टिश्यू कल्चर लैब में देखते हैं। और जो टिश्यू कल्चर से बनाया हुआ पौधा है, जो एक गार्डन में मिलता हुआ पौधा है, उन दोनों में ये क्या फ़र्क है या दोनों सेम है, उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, उसका मरीज़ के ऊपर जब हम देते हैं तो क्या डिफरेंस है, ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो इसे जब ये रिसर्च पब्लिश होता है तो उसका लाभ समाज को वो भी हम लोग यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ आप देख रही है उसी से बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ का सॉइल टोटली केमिकल फ्री है और जो औषधीय गुण इन पौधों में होना चाहिए वो पूरी तरह से होता है, क्योंकि कुछ भी केमिकल कंटामिनेशन यहाँ पे नहीं है। इससे जो टिश्यू कल्चर में प्लांट जाएगा वहाँ पर भी ये पौधा जो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कुछ भी केमिकल कंटामिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर पिट है, तो वही मैन्योर हम पौधों को देते हैं। और पेस्टिसाइड भी हम लोग यहाँ पे जो पौधे आप देख रहे हैं उन कुछ पौधों को मिला के हम खुद ही बनाते हैं और उसी पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब केमिकल का बात ही नहीं उठता है तो सॉइल में जो मिट्टी में जो गुण होने चाहिए वो तो ज़रूर होता है। इसीलिए जो पौधा यहाँ से उगता है उसमें जो औषधीय गुण होना चाहिए वो पूरी तरह से रहता है। तो इसीलिए जब एक अच्छा सा मदर प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जाता है तो उससे जो प्लांट बनता है वो भी अच्छा होना ही।
है फाइकस कृष्णा, और ये फाइकस कृष्णे अपनी बरगद की पेड़ जो होता है वो जाति की है, यानी बैनियन ट्री की जाति की है। और इसका खासियत ये है कि जब भगवान श्री कृष्णा एकदम छोटे बाल बच्चे होते थे उन दिनों में ये पौधा पूरा भारतवर्ष में फैला हुआ था हर जगह में। और इसका महत्व ये है कि इसका शेप देखिए, इसमें ऐसा एक शेप है कि जब दूध देते हैं बच्चों को तो इसको इधर काट के ऐसा एक थोड़ा सा छेद बना दिया और इसके ऊपर से दूध डाला और बच्चे की मुंह में इसको दे दिया। माने कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ये पत्ते में कि वो दूध इसके थ्रू जब बच्चे को देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बहुत ही खास इफेक्ट रहता है। देखिए ये पत्ते की इंजीनियरिंग इतना खूबसूरत है। अभी मैं पानी इसमें डाला हूँ, मैं वैसे तो जब बच्चों को दूध पिलाते हैं तो दूध डालेंगे इसमें, लेकिन देखिए इसकी कितनी खूबसूरती से ये निकलता है, एक एक बूंद एक एक बूंद, जैसे ही वो बाल कृष्ण के मुँह में जो है बेबी कृष्णा के मुँह में जो है दूध यशोदा माँ ने पिलाई थी। आजकल क्या हुआ है कि ये पेड़ का जो पॉलिनेशन होता है बीज बनने के लिए उसकी फूल में, वो एक चीटा करता है, एंट का स्पीशीज, जो आजकल अपनी पेस्टिसाइड केमिकल की यूजेज से वो चीटा अभी एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसका मतलब कुछ हजारों साल से इसका बीज नहीं बना, तो आजकल पूरा भारतवर्ष में 10-15 से ज़्यादा पेड़ ये बचा नहीं है और शायद कुछ आने वालों दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर एकमात्र मार्ग है कि ऐसा पौधे को वापस ले आने का। और हमारा गुरुदेव बताते हैं कि टिश्यू कल्चर से ये पौधा बना के हर गांव में, भारतवर्ष में हर गांव में जो है एक ये पौधा होना चाहिए जिसके थ्रू जो है माँ आपकी अपने बच्चे को दूध पिला सके। बिल्कुल, एक कहानी बहुत पुरानी जुड़ी है, वो कहानी बहुत रोचक है, साथ ही साथ जो हम शेप देख रहे हैं वो भी बड़ा रोचक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात सर यहाँ पर और दिखाई पड़ती है कि ये प्लांट हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, ये प्लांट इस गार्डन तक कैसे पहुँचा और साथ ही साथ अब क्या आप लोगों ने टिश्यू कल्चर के जरिए ऐसे कुछ प्लांट्स तैयार कर लिए? नहीं, अभी कोशिश चल रहा है इसको टिश्यू कल्चर करने के लिए, और हमारा ये अपना सौभाग्य है कि हमारे पास एक प्लांट है, बहुत मुश्किल से मिला ये प्लांट, क्योंकि इसका ये प्लांट का प्रोपेगेशन जो है बहुत स्लो है, इसका ग्रोथ बहुत स्लो है, और जैसे मैंने बताया इसका बीज बन नहीं रहा है आजकल, तो बहुत छोटे छोटे एक आध पौधे कहीं मिलेंगे आपको जिसका हमने एक उसका ब्रांच लेके जो है हम इधर इसको एक प्लांट बनाया, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है लाखों प्लांट्स बनेंगे और वो भगवान श्री कृष्ण के मुंह में जो दूध डालते थे वो पद्धति वापस आएगी भारतवर्ष में। तो बिल्कुल बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है और इस वक्त यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल आश्रम से जुड़ा हुआ जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर ये स्पीसीज़ मौजूद है। और सबसे खास बात है 10 या 15 पेड़ पूरे हिंदुस्तान में बचे होंगे, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि टिश्यू कल्चर के जरिए इसकी स्पीसीज़ और तैयार की जाएँ और आने वाले वक्त में हर गाँव तक इस पेड़ को पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने ये बात सोची है कि ये पेड़ हर गांव हर शहर में हो ताकि जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है उससे बच्चों को लाभ मिल सके। आज के दौर में माता पिता अपने बच्चों की सेहत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने से पहले शायद किसी को पता भी नहीं होगा भगवान कृष्ण को माता यशोदा कैसे सेहतमंद रखती थी। अब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की इच्छा है एक बार फिर से फाइकस कृष्णे गांव गांव तक घर घर तक पहुंचे। श्री श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल और उसकी खास टिश्यू कल्चर लैब की कोशिशों से उम्मीद जाग रही है कि प्रकृति की इन अमोल धरोहरों को हम बचाने में कामयाब होंगे और श्री श्री तत्वा संजीवनी के जरिए इन तमाम औषधीय गुणों वाले पौधों को नई पीढ़ी तक पहुंचाता रहेगा।